सक्सेस जो होती है, मतलब जो सक्सेस का मतलब जो भी तुम काम कर रहे हो उसका जो रिजल्ट होता है, उसमें जो सक्सेस होती है उसका मज़ा सिर्फ थोड़ी देर आता है, 1-2 घंटे, 1-2 दिन या फिर हफ्ते 10 दिन, इसके बाद नहीं आता है मज़ा, फिर वो बोर होने लगते हैं। कैसे हम तुम्हें समझाते हैं, तुमने सालों तैयारी करी किसी एग्ज़ाम के लिए, उसका रिजल्ट आया, PDF में तुम्हारा नाम आ गया, अब तुम सेलेक्ट हो गए किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो तुम्हारी वो जो वाहवाही है, तुम्हारी तारीफ़ है, वो कुछ दिन होती है, क्योंकि फिर दोबारा दूसरे जो आएंगे वो ओवरटेक कर ले जाएंगे उस चीज़ पे। तो इसका मतलब क्या, हम यहाँ पे ये क्यों तुम्हें समझा रहे हैं या इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? देखो, सबसे पहली बात हम तुम्हें यहाँ पे समझा दें, कोई भी चीज़ जो हमने सीखी अभी तक, किसी भी चीज़ को दिल से नहीं लेना है कभी भी, कोई भी चीज़ हो यार, कुछ भी हो, किसी को दिल से मत लेना, सब में थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल किया करो, चाहे वो रिलेशनशिप हो और चाहे वो हो करियर की बात। दिमाग का इस्तेमाल क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। अब नौकरी लग गई तो तुम्हारी 2 चीज़ें परमानेंट ज़रूर हो जाएंगी, एक होती है थोड़ी सी इज्जत मिलने लगेगी, वो भी कुछ दिन नहीं मिलती, उसके बाद फिर आप नॉर्मल रूटीन में आ जाते हो, ऐसा कुछ घंटा नहीं बदलता है। दूसरी चीज़, बस मेन चीज़ जो होती है वो एक होता है कि आपके पास एक बंधी रकम आने लगती है, डेली बेसिस पे एक बंधी रकम आने लगती है, तो उससे ये होता है कि हाँ चलो अब हमें कुछ मिल रहा है या फिर हम स्टेबल हैं इस चीज़ में। लेकिन अगर हम बात करें वो जो खुशी की बात है, वो एकदम से पॉपअप होती है, एकदम से आती है और एकदम से चली जाती है। क्यों, क्योंकि फिर तुम्हें डेली बेसिस पे वही बोरिंग काम करने होते हैं, ऑफिस जाना, जो कुछ जाना, हाँ महीने के अंत में एक सैलरी जरूर आ जाती है, वो एक मोटिवेशन का काम करती है। हम तुम्हें समझा बस इसलिए रहे हैं कि तुम जिस भी एग्जाम के लिए अभी तैयारी कर रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे हमें सब कुछ मिल जाएगा, सॉरी बॉस, सब कुछ नहीं मिलेगा, एक सैलरी मिलेगी, बस एक सैलरी, और यकीन मानो तुम कितना उसके लिए घिसोगे वो तुम्हें भी नहीं पता है, लेकिन हाँ एक सैलरी तुम्हें हर महीने ज़रूर मिल जाएगी। इसका मतलब क्या कि तैयारी छोड़ दें, नहीं, हम ये चीज़ नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे कि तुम तैयारी छोड़ दो, तैयारी करो, अब कौन सा पैसा सब कुछ चाहिए, तैयारी करो, पैसा भी कमाओ, सब कुछ करो, हम यहाँ पे तुम्हें समझाना बस इतना सा चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को दिल से मत लेना। अगर तुमने ये दिल से ले लिया कि वो एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो तुमने अपने मंदिर अंदर अंदर चीज़ें इतनी बड़ी क्रिएट कर ली कि अगर वो एग्ज़ाम नहीं निकला तो तुम फिर ये सिचुएशन आ जाती कि तुम सुसाइड तक करने चले जाते हो। बस हम ये सिचुएशन नहीं लाने देना चाहते हैं तुम्हारी लाइफ में, इस वजह से चीज़ें समझा रहे हैं कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अचीव करके कुछ बड़ा उखाड़ लोगे, सॉरी बॉस, कुछ बड़ा नहीं उखाड़ने वाला है, लाइफ सेम रहेगी, थोड़ी बहुत चीज़ें बदल सकती हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं बदलने वाला है। इसी तरीके रिलेशनशिप में होता है कि तो जब तुम मान लो कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम मर रहे हो उसको पाने के लिए, वो तुम्हें इग्नोर मारे चलाए, तुम्हारे ऐसी तैसी करे, लेकिन फिर भी तुम उसको जाके तुम बस झुके हो चरणों में कि कैसे भी मैं पास आ जाओ, सब कुछ कर लो, और वो जब मिल जाती तो दूसरे दिन से तांडव शुरू हो जाते हैं। हमने पता नहीं कितने केस देखे हैं यार कि जिसके शादी करने के लिए मर रहे होते हैं, दूसरे दिन उसी की खोपड़ी तोड़ देते हैं। तो बस बात वही है कि हम लोग क्या होता है कि इमेजिनेशन इतनी कररी कर लेते हैं, इतनी तगड़ी कर लेते हैं कि नौकरी लग जाएगी तब तो हम राजा हैं, सब हमारे चरणों में गिरे रहेंगे, जबकि ऐसा इसका 1% भी नहीं होता है कुछ। और ऐसे गर्लफ्रेंड वाले मामले में होता है, हमें लगता है कि हम साथ में रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। साथ में रहने का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं होता है, उसके बाद भी चीज़ें होती हैं, और वो चीज़ें जब हिट करती तब फट जाती। तो इस वजह से अगर तुम्हें लग रहा हो कि चीज़ें तुम्हारे दिमाग दिल दोनों पर असर डाल रही हैं, मत डालो, मत डालो उसको, दिल से मत लगाओ। हाँ ये है कि मज़ा आएगा जब आएगा, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा कि PDF में नाम आया है, हर तरफ से एक फ़ोन कॉल आने लगेंगे, उस दिन का माहौल बदल जाएगा, कुछ दिन का माहौल बदल जाएगा, बाकी पूरे टाइम के लिए बस एक ही चीज़ परमानेंट रहेगी, वो रहेगी तुम्हारी सैलरी, बस उसके अलावा तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज नहीं होने वाला है। तुम्हारे घर वाले खुश रहेंगे, सब कुछ होगा, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस नहीं होंगे, फाइनेंशियली अच्छा हो जाएगा, बस इतना हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ को दिल से मत लगाओ, दिमाग से चलाओ, तैयारी में पूरे अपनी जान झोंक दो, रिजल्ट नहीं आता है चलो कोई बात नहीं, एक चैप्टर था क्लोज हो गया, अब हमें पैसा कमाना है। ठीक है, राम राम, जय हिंद।